लखनऊ में कोरोना के नए मामलों में तेज उछाल, 9 महीने बाद मिले रिकॉर्ड 245 संक्रमित। पिछले 3 दिनों तक गिरावट के बाद बुधवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। 9 महीने बाद एक दिन में रिकॉर्ड 245 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1027 पहुंच गई है। चिन्हट और एनके रोड में सबसे ज्यादा मरीज सीएमओ डॉक्टर एमके अग्रवाल के मुताबिक रविवार से मंगलवार तक कोरोना के नए मरीजों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अचानक फिर से नए मामले बढ़े हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में संक्रमित मिले सभी मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नहीं है, ये सभी होम आइसोलेशन में है। उन्होंने बताया कि चिन्हट और एनके रोड में सबसे ज्यादा 38 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं आलमबाग में 31, सरोजनी नगर और अलीगंज में 29, इंदिरानगर में 17, सिल्वर जुबली में 16 और टूरियागंज में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 105 मरीजों ने संक्रमण को हराया। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 105 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात दी। अभी तक यह एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। जो लोग संक्रमित हैं उनमें करीब 15% लोगों में कोई लक्षण ही नहीं है। 85% में हल्की खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की शिकायत है। सीएमओ का कहना है कि पिछले 10 दिनों से मौसम में भी तेजी से बदलाव हुआ है, इसकी वजह से भी वायरल के मामले बढ़ रहे हैं। गंभीर मरीजों को अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि रोजाना करीब 2500 मरीजों की कोरोना जाँच हो रही है।